जगदलपुर से इस वक्त की बड़ी वारदात सामने आई है। बता दें कि पैसों के लिए कारोबारी को मार डाला। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 64 साल के कारोबारी की गला दबाकर हत्या की गई है। रुपए के लालच में इस वारदात को अंजाम कारोबारी के महिला दोस्तों ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि तीनों लग्जरी कार में सवार होकर कारोबारी के घर पहुंचे थे। पहले उसे तो शराब पिलाई, फिर गला दबाकर मार डाला। मामले के 3 दिन बाद बस्तर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक शहर के कुम्हार रास के रहने वाले घेवर चंद खत्री, जिसकी उम्र लगभग 64 साल थी, उसकी लाश उसके घर में ही मिली थी। पुलिस ने मामले की जांच की और सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो उसमें देखा गया कि एक महिला घर के अंदर जा रही है, जिसके कुछ ही देर बाद कैमरा ऑफ हो गया। पुलिस ने आसपास के जिले के थाने में महिला के बारे में पता लगाया। कुछ लोगों से महिला के बारे में पूछताछ की गई तो पता चला कि उसका नाम साधना मंडल है, जो कि कांकेर की रहने वाली है। रायपुर से पुलिस ने महिला को पकड़ लिया है। महिला ने पुलिस के सामने हत्या का सारा राज खोल दिया। उसने पुलिस को बताया कि घेवरचंद खत्री को पिछले 6 महीने से जानती है। लगातार उसके घर आना जाना लगा रहता था, पैसों की लेन देन होती रहती थी। महिला का एक दोस्त शाहरुख खान को इसके बारे में पता था। वह उससे घेवरचंद से पैसे मांगने के लिए कहता था। कुछ दिन पहले ही पैसों को लेकर महिला और घेवरचंद के बीच थोड़ा विवाद हो गया था, जिसके बाद 20 दिसंबर को महिला अपने साथी शाहरुख खान और गोलू के साथ किराए की एक लग्जरी कार बुक कर घेवरचंद के घर पहुंची। महिला को घर के बाहर छोड़कर दोनों युवक शहर में घूम रहे थे। साधना ने पहले तो घेवरचंद को जमकर दारू पिलाया। जब वह उठने की स्थिति में नहीं था तो फिर देर रात शाहरुख और गोलू को घर बुलाया। इससे पहले उसने घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी बंद कर दिया था। घर पहुंचने के बाद तीनों ने मिलकर घेवरचंद का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी अभी फरार चल रहा है, जिसकी अभी तलाश जारी है।